Let's go. ये देखो गाइस, I wake up to हाय करो, गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग करना आ गया इसका। देखो कैसे करता, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कैसे करता, फिर से कर कर देखो, करो करो, गुड मॉर्निंग कर दो। हाँ देखो ये है ना, ये इसके लिए हाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो समझो समझ लो, सब चीज़ इसके लिए ही है, कुछ भी बोलो ये, किसी को बुलाना होगा तो भी यही। एंड गाइस फाइनली सुबह हो चुका है, दिन मौसम वगैरह आज मस्त क्लाइमेट है भाई, देखो एकदम क्लाउडी सा वेदर हो के रखा है। और ये मैडम जी देखो एकदम मस्त, अभी मेरे लिए वेट कर रही थी खेलते खेलते। हाँ बोल दो हाँ हाँ, अच्छा स्टार्ट हुआ ना दिन। चलो इसके साथ थोड़ा खेलते हैं, हम नाश्ता वास्ता करेंगे, फ्रेशअप व्रेशअप होंगे, फिर निकलेंगे काम के लिए, टाइम पास हो तो बनता है इसके साथ। Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. Hey guys, very good morning, welcome back to the new vlog. आज भाई ऑफिस में पहुंच गया, ज़्यादा कुछ आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया सुबह से, बट एनी विच वे यहाँ अभी अपना दिन स्टार्ट हो रहा है। एंड अभी टाइम बताऊँ भाई, ये देखो 11:57 12 o'clock हो गया, मतलब आधा दिन तो ऐसे ही चला जाता। बट हाँ आजकल मैं ना अब टाइम से उठ जा रहा हूँ, कल रात भी थोड़ा लेट से सोया था, मैंने बताया था आपको पिछले व्लॉग में, कुछ टेंशन वगैरह चल रहा था। अच्छा हाँ, वो सवाल पूछता हूँ, देखो यार एक इंसिडेंट देता हूँ जो मेरे लाइफ में हो चुका है। एक बंदा है जिसको मैंने पास्ट में भी बहुत सारा हेल्प किया था फाइनेंशियली, उसके बाद में बंदे ने चीट किया मुझे, फिर बंदा आया सॉरी वोरी बोला, मतलब ओके चल रहा था। फिर रिसेंटली क्या हुआ, उसने कुछ पैसे वैसे वगैरह मांगा, तो मैंने देखो यार मेरा क्या होता पता है, अगर कोई भी अपना दुख सुना देता है, कुछ दिक्कत सुना देता है और मुझसे पैसे मांग लेता है ना, अगर मेरे पास हो जा अगर रहता है ना, तो भाई मैं डेफिनेटली उसको दे देता हूँ। मुझे पता रहता है कि इस बंदे से दिक्कत होने वाली है, पैसा रिटर्न करेगा कि नहीं, बट मैं दे देता हूँ। पता नहीं यार, मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, मेरे एक दो फ्रेंड्स बोलते भी है तू मत दिया कर, कल भी एक मैं बात कर रहा था अपने हिंदू भाई से, वो भी बोल रहे थे भाई मत दिया कर, ऐसे पैसे क्यों दे देता है। तो अब देखो एक इंसिडेंट है, उसको ना जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसका एक्चुअली नया जॉब ज्वाइन हुआ, तो वहाँ पे उसको कुछ कार्ड एक्टिवेट करने के लिए उसको ना कुछ पैसे चाहिए था, हालांकि अमाउंट बहुत छोटा रकम है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके पहले लाखों रुपए का मैंने इसको हेल्प करके रखा था, बट प्रॉब्लम आया। बट ये चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ ताकि आप लोग जो बोलोगे ना भाई वही मैं एक्शन लूँगा, ओके। तो इसको मैंने कुछ पैसे दिए, बोला भाई अगले शाम को या फिर अगले दिन वापस कर देंगे, और दो दिन हो गए, मतलब दूसरा दिन आ जाए कुछ खबर नहीं। तो अब आप लोग एक चीज़ मुझे बताओ यार, ऐसे इंसान के साथ में क्या करना चाहिए, क्या इनको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दो, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट सब जगह पे ब्लॉक करके छोड़ ही दो ऐसे इंसान को, या फिर एक मौका देना चाहिए। बट प्लीज़ डू रिमेंबर दैट पास्ट में मल्टीपल फाइनेंशियल इश्यूज़ इस बंदे के साथ में मेरा हो के रखा है, जिसको मैंने पैसे दिया था बट पैसे रिटर्न नहीं किया, फिर लंबा चौड़ा खींचते गया, लड़ाई झगड़ा ये सब हुआ। तो आप लोग बताओ यार, आप में से अगर एक बंदा भी कमेंट करता है कि भाई हाँ इस बंदे को ब्लॉक कर दो छोड़ दो, तो मैं वो कर दूंगा। आप में से एक बंदा भी बोलता है कि हाँ भाई रहने दो एक चांस, तो फिर शायद इसको मदद ना करो या फिर मदद करो देख करके, जो मतलब बोलोगे यार, मैंने आपको देखो सिचुएशन बता दिया है, अब आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा सीरियसली, क्योंकि मैंने कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। मतलब यार एक इंसान को अगर हम मदद करते हैं तो भाई उसको थोड़ा सा मतलब एक हम्बलनेस रहना चाहिए, उल्टा बात सुनाता है। मतलब मैं अगर कॉल करूं पैसे के लिए, भाई पैसे दे दे वापस करके, तो उल्टा मुझे खरी खोटी सुना देता है, तो क्या ये एक्सेप्टेड है, प्लीज़ मुझे बताओ यार सीरियसली। और इसकी इस चीज़ की वजह से मैं अपसेट हूँ। एंड गाइस अगर देखो आप लोगों के साथ में अब मैं जुड़ा हूँ, एंड आप लोगों को देखो आप लोग जो भी कमेंट करते हो, वीडियो लाइक करते हो, साथ में जुड़ते हो, आप लोगों के साथ में एक अच्छा सा कनेक्शन बॉन्ड, एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड मेरा जैसे जुड़ गया, इसलिए आप जो बोलोगे ना मैं वो एक्शन डेफिनेटली लूँगा, या तो इसको माफ़ कर दूँ वेट करूँ पैसे आने का, या फिर इसको इन जैसे इंसान को ब्लॉक ही कर दे। बताओ यार, और एक दो और लोगों का इंसिडेंट्स वगैरह हूँ, मैं बताऊंगा यार कभी फ्यूचर में, पहले चीज़ें वगैरह ठीक करने दो। बट ये वाला जो इंसिडेंट है ना, इसके ऊपर प्लीज़ मुझे सजेशन चाहिए, क्योंकि मैं भी ना बहुत फेड अप हो चुका, मतलब जब कॉल करें तो भाई उल्टा मतलब खुद मदद करो और खुद ही खरे खोटी सुनो उल्टा, और वो भी गंदी गंदी बात वगैरह सुनो, तो यार कौन ऐसा डिजर्व करता है बताओ, आप बताओ यार प्लीज़ बताओ मुझे, आप जो बताओगे ना मैं डेफिनेटली वो करूँगा। बाकी चलो अपना दिन स्टार्ट करते हैं,
एंड सॉरी मैंने थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड में ऐसे से बोल दिया, बट लिटरली मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ गैस एक दो दिन से। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मेरे सिचुएशंस कैसा चलता है, ऊपर से ये सब चीज़ें और आ जाते हैं पे और दिमाग ख़राब हो जाता है। अब बताओ क्या करना है। चलो सर, मैं काम कर रहा था और अचानक से ना आवाज़ आ रहा है भाई, बारिश जैसा आवाज़ आ रहा है भाई। पूरा धूप था, कहीं बारिश वरिश तो नहीं पड़ रहा है? ओ यही बारिश, ये देखो गाइस बारिश पड़ रहा है। विंडो क्लोज्ड है वैसे भाई, नीचे देख रहे हो पानी पड़ रहा है भाई। कितने दिन के बाद में आज बारिश पड़ा है भाई। एक्चुअल में ना हल्का हल्का ड्रिजल कर रहा है, तेज नहीं, बट हाँ यार गर्मी से थोड़ा राहत मिलेगा। भाई साहब मैंने लंच करना है भूल गया, 3 बज गए, इतने चीज़ों पे स्टक हूँ ना भाई। आज मैंने प्लान किया हूँ भाई 7-8 बजे तक आज तो बैठा रहा हूँ का बहुत सारा, क्योंकि ना पेंडिंग होके रखा है, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें मैं हैंडल कर रहा था अभी और बहुत सारे चीज़ें डिलीवरल कंप्लीट नहीं हुआ। एक दो चैनल तो भाई खाली कुछ अपडेट्स ही नहीं जा रहा उस पर, उसको भी करना है। बट उसके पहले ना मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग फाइल्स है जो कि एडिट होना बाकी है, तो भाई आपसे कंटिन्यूसली फटाफट एडिट करना है, अपलोड करना है, एडिट करना है। आई एम ट्राइंग कितना, अभी तक ना 2 कंप्लीट हो चुके हैं एंड शाम तक मेरा एटलीस्ट 8-10 कंप्लीट कर लेना। आई थिंक 8 या 10 फाइल्स वगैरह बचे हैं। अब एक फाइल एक नहीं रहता है भाई, 10-10 फाइल के छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, फिर वो डालना, थंबनेल्स बनाना, डिज़ाइनिंग करना, फिर SEO करना, ये सब करना होता है भाई। एक एक में ना आधे से एक घंटा चला जा रहा है, तो लेट्स सी कितना होता है। ऊपर से भाई अपना सिस्टम थोड़ा स्लो काम करता है भाई, रेंडरिंग होने में ही टाइम लग गया, बट हाँ लेट्स टू मैनेज करते हैं। बट अभी लंच का टाइम है भाई, लंच करने जाते हैं भाई, गर्म करने डालता हूँ खाना को पहले। सब 5-6 दिन हो गए थे व्लॉग कुछ नहीं एडिट हो पा रहा था और फाइनली जा करके अब व्लॉग पे काम चल रहा है। बाकी सभी चीज़ें मैंने बहुत सारा कंप्लीट कर लिया, अब थोड़ा राहत है तो अब व्लॉग पे बैठा हूँ। आई थिंक 2-3 दिन लास्ट वीक में आपको थोड़ा डिले हो गया होगा, आई थिंक 3 दिन डिले, बट कवरिंग इट अब रेगुलर फिर से। ठीक है मिलता हूँ बाद में, इसको कंप्लीट कर लेते, और भी काम करना है मुझे। ये देखो गाइस रात के 12:14 हो चुके और फाइनली अभी जो व्लॉग वाला एडिट्स था वो हो रहा है। अभी भी और 2 व्लॉग्स एडिट करना है, तो इसको बस छोड़ दे रहा हूँ। अब एडिट वगैरह हो गया, रेंडरिंग छोड़ दियो और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ये वाला शायद कल परसों ये एडिट में जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर एंड आई लव यू ऑल, रिमेंबर दैट। एंड वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया तो क्यों नहीं करते हो, कर दो छोटा वाला बटन है दबा दो, और जिन्होंने कर लगा भाई कलेजे से थैंक यू, लव यू, तुम लोग जिंदाबाद। चलो मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक लिए गुड नाइट। I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams.